सुप्रभात बच्चों, आज हम स्वर का एक नया वर्ण सीखेंगे, वो है आहा। आहा, आधा गोला, उससे जुड़ा आधा गोला, एक छोटी सोती हुई रेखा और एक खड़ी रेखा, और उसके बाजू में ये दो बिंदु, एक और दो, ये है आहा। आहा से कुछ भी नहीं होता, आहा होता है खाली। अब हम ये देखेंगे कि संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग किन किन शब्दों में होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। प्रातः, प्रातः मतलब मॉर्निंग, सुबह। सुबह को क्या बोलते हैं? प्रातः। दूसरा शब्द है नमः। नमः, नमः याने नमस्ते। तीसरा अक्षर है पुनः। पुनः याने फिर से। चौथा शब्द है अतः। अतः याने इसलिए। तो आपने देखा किन चार शब्दों में इसका प्रयोग होता है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। प्रातः, प्रातः यानी सुबह। नमः, नमः यानी नमस्ते। पुनः, पुनः यानी फिर से। अतः, अतः यानी इसलिए। तो चलिए अब देखें इसे कैसे लिखा जाता है। आहा, एक छोटा गोला, आधा गोला, एक और आधा गोला, एक सोती रेखा और एक खड़ी रेखा, और उसके बाजू में ये दो बिंदु, ये हो गया आपका आहा। आधा गोल, एक और आधा गोल, एक सोती रेखा, एक खड़ी रेखा और दो बिंदु, ये हो गया आहा। तो बच्चों, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय।